हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज से आप लोगों के मैथ के क्रैश कोर्स की क्लास स्टार्ट कर दी जा रही है। आज आपके मैथ के क्रैश कोर्स की पहली क्लास है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल तथा घनमूल। वर्गमूल तथा घनमूल आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है, आपको दे दिया है एक्स इक्वल टू रूट ओवर टू प्लस रूट ओवर टू प्लस रूट ओवर टू, ऐसे डॉट डॉट के रूप में दिया है। यानी डॉट डॉट के रूप में दिया है, यानी ये इंफिनिटी तक दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको x इक्वल टू इतना दिया है तो करना क्या होता है, एक दो को छोड़कर इन सारे की जगह x लिख लेते हैं। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, रूट ओवर टू प्लस x। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल टू टू प्लस x। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस x माइनस टू इक्वल टू जीरो। इसको आप द्विघात समीकरण से सॉल्व करिए तो x स्क्वायर माइनस टू x माइनस x और माइनस का टू इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों ब्रैकेट में x कॉमन है इन दोनों में, तो x माइनस टू होगा और इस माइनस के इस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, और यहाँ पर एक कॉमन ले लिए तो x माइनस टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x माइनस टू और एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x प्लस टू। तो x की वैल्यू यहाँ से दो और यहाँ से माइनस का एक, हमेशा हमको प्लस का लेना रहता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से दिया है, रूट ओवर सिक्स प्लस रूट ओवर सिक्स प्लस रूट ओवर सिक्स प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले माइंड में सेटअप ये आपको रखना है कि बीच में आपका प्लस है या माइनस। यहाँ पर बीच में प्लस दिया है तो सबसे पहले आप छह का फैक्टर करेंगे। छह का फैक्टर करेंगे क्या होगा, तीन गुणे दो। तो प्यारे दोस्तों, कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान ये रखना है कि यदि बीच में प्लस होगा तो बड़ी वाली वैल्यू लेना है, यानी इसका आंसर तीन होगा। कब, जब बीच में प्लस प्लस होगा तो आपकी बड़ी वाली वैल्यू लेना है, यानी तीन लेना। बड़ी वाली वैल्यू क्या है, तीन। तो इसका आंसर तीन होगा। यहीं पर यदि ऐसे क्वेश्चन दे दिया रहता है, बीच बीच में सारे माइनस हो जाते हैं, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो आपका आंसर क्या होता, छोटी वाली वैल्यू लेना होता है, यानी आपका आंसर दो हो जाता। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया है, कौन से छोटी संख्या से भाग दे कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। आपको चार ऑप्शन दे दिए हैं तो इसको आप माइंड से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, इस क्वेश्चन को यदि एक से भाग देंगे तो वही वैल्यू आएगी, कोई चेंजिंग नहीं होगा। दो से भाग जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि लास्ट में सेवन है तो सेवन टू के टेबल में आता नहीं है, यानी सेवन कैंसिल नहीं होगा दो से। और नेक्स्ट ऑप्शन आपका है तीन, तो तीन से यदि इस पूरी वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड चला जाएगा। वहीं पर चौथा ऑप्शन भी आप चेक करिए, यदि कोई भी वैल्यू दो से नहीं कटती तो चार से भी नहीं कटेगी, सात आपका चार से कटेगा नहीं, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया है, आपको दे दिया है वन प्लस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई वन फोर्टी फोर बराबर आपको दे दिया है वन प्लस एक्स बाई बारह। इसको आपको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आप 169 डिवाइडेड बाय 144 इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 12 प्लस x डिवाइडेड बाय 12, इसका स्क्वायर निकालेंगे 13, इसका स्क्वायर निकालेंगे 12, बराबर आपका हो जाएगा 12 प्लस x डिवाइडेड बाय 12, ये कैंसिल हो जाएगी तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, एक। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रूट ओवर एक्स प्लस 238 बराबर 360 का 4/5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन आपको दे दिए हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपका है रूट ओवर x, तो रूट ओवर x यहाँ पर नोट कर लीजिए, प्लस का 238 इक्वल टू 360 का 4/5, तो का सेंथ होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 4/5। अब 5 से डिवाइड करिए 360 को, 5 सते 35, फिर 5 दूना 10,
अब 72 × 4 करिए तो 4 × 2 = 8 और 4 × 7 = 28 इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस का 238। अब रूट ओवर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ओवर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 288 में से आपको 238 घटाना पड़ेगा, तो घटा लीजिए तो 8 में से 8 जाएगा 0, 8 में से 3 जाएगा 5 और 2 में से 2 जाएगा 0, यानी रूट ओवर एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 50। आपसे एक्स की वैल्यू पूछा जा रहा है तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2500। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के दोगुने रुपए दिए जितने की कुल सदस्य थे और इस प्रकार कुल रुपया 3042 एकत्रित हुए, तब उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या थी। 4 ऑप्शन आपको दे दिए। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपसे ये बोला जा रहा है किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपयों के दोगुने रुपये दिए जितने की कुल सदस्य थे। आप मान लीजिए जो सदस्य हैं वो आपका यक्ष है, जितने सदस्य हैं उसके दोगुने रुपए दिए, तो रुपए कितना हो जाएगा एक सदस्य का, सदस्य का दोगुना यानी कितना हो जाएगा 2x। ये सदस्य की संख्या है और सदस्य की संख्या के दोगुने रुपए हैं, एक को मिल रहे हैं, तो x गुड़े 2x की वैल्यू आपको दे दिया 3042। x गुड़े 2x की वैल्यू आपको दे दिया है 3042, तो कैंसिल कर दीजिए 2 से, तो 2 हो जाएगा, 2 कम 2, 2 5 10, फिर 2 × 4, 2 × 1 = 2। इस तरीके से x गुड़े x की वैल्यू 1521, यानी x स्क्वायर की वैल्यू आपका 1521 आ गया। तो 1521 का वर्गमूल निकालेंगे तो 39 आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पक्तियां रहें जितने एक पक्ति में पेड़ है, यानी पक्तियों की संख्या और पेड़ों की संख्या बराबर है। इसका सेंस ये है कि आपको 5184 का आपको वर्गमूल निकाल लेना है। तो 5184 का वर्गमूल निकालिए, तो वर्गमूल निकालने का सटीक समझिए कैसे निकालना है। लास्ट चीज आपका 4 है, तो आप 0 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 0 ही आएगा, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। यदि आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आपको मिल जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, 75। 5 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 5 आना चाहिए, जो कि है नहीं, इसमें 81 है। 81 में अगर लास्ट जी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आना चाहिए, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए आपको दे दिया है 6083 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऑप्शन बी आपको दे दिया है 62500 का वर्गमूल एक विषम संख्या है। ऑप्शन सी आपको दे दिया है 72.9 / 0.4096 घनमूल एक परिमेय संख्या नहीं है। और ऑप्शन डी आपको दे दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कोई भी संख्या यदि पूर्ण वर्ग है, ध्यान में रखिएगा, कोई भी संख्या यदि पूर्ण वर्ग है तो उसके लास्ट में 3 नहीं आता है, या तो उसके लास्ट में 6 आता है, या तो 4 आता है, या तो 9 आता है, लेकिन 3 नहीं आता, यानी पहला ऑप्शन आपको कैंसिल। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 62500 वर्गमूल एक विषम संख्या है। ये किसका वर्गमूल है, ए 250 का वर्गमूल है, तो 250 का वर्गमूल एक विषम संख्या है, नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन 72.9 / 0.4096 का घनमूल एक परिमेय संख्या नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा आपको, नीचे देखिए कितने अंक पे डेसिमल लगा है, तो नीचे आप देख पा रहे हैं कि 4 अंक पे दशमलव लगा है, तो क्या करेंगे, 10000 से गुणा और 10000 से भाग करेंगे, तो आपका इस प्रकार से कुछ हो जाएगा, ये 3 0 हो जाएगा और ये सारे दशमलव हट जाएंगे, यानी 4096 आपका हो जाएगा। तो इसको आप
यदि आप इसका वर्गमूल निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं, तो 729 किसका है? 9 का है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हैं कि 3 जीरो है, यानी ये 90 का घनमूल है। इतनी सी बात क्लियर है कि जो आपका 729 है वो 9 का घनमूल है, तो 9 इससे मिल गया और 1000 से 10 मिल गया। ओके, अब 4096 को आपको देखना है कि किसका, 4096 आपका किसका घनमूल है। तो 4096 का घनमूल आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से यदि मैं 2 से 4096 को कैंसिल करता हूँ, तो 2 दुना 4 0, 2 चौका 8, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 एक कम 2 0, फिर 2 दुना 4, फिर 2 चौका 8, यानी 1024 आ गया। तो इसको चेक कर लेते किसका है, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 दुना 64 दुना 128, 128 दुना 256, 256 दुना 512, 512 दुना 1024, और 1024 दुना 2048, और 2048 दुना आप करेंगे तो 4096 होगा। यानी हम 2-2 का मल्टीप्लाई यदि हम 12 बार करेंगे तो हमारा 4096 आ जाएगा। यानी किसका घनमूल है, तो 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, तो 3-3 का जोड़ा बनाएंगे तो 2 पावर 4 होगा, यानी 90/2 पावर 4, यानी 90/16 होगा। 2 से काट लेते फिर, तो 45/8 आएगा। तो बोला जा रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या ये परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो एग्जैक्ट नंबर में ना आए। एग्जैक्ट नंबर का सेंस ये है कि जैसे 2, 3, 5, 7, 9, ये आपके एग्जैक्ट नंबर हैं। तो ओके, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन आपको दे दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्यारे दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को समझना है कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ए आपका डिवाइड के रूप में है, तो सबसे पहले 64 से आपको 592704 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 9261, और ये डिवाइड के रूप में, तो इसको नीचे लेते आते हैं, और ये तो है नहीं आपका रूट में, तो इसको आप रूट में कर दीजिए, यहाँ पर क्यूब रूट लगा लीजिए। जब आप 9261 का क्यूब रूट निकालेंगे तो आपका 21 आएगा बटे, और आप 9 का जब आप क्यूब रूट निकालेंगे, ये भी क्यूब में ही है, ये आपका स्क्वायर के फॉर्म में है, ये आपका स्क्वायर के फॉर्म में है, पूरा देखिए ये वाला, ये स्क्वायर के फॉर्म में है। तो 9 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो आपको 3 मिलेगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो 7। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि रूट ओवर 75.24 प्लस का x बराबर 8.71 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन आपको दे दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्यारे दोस्तों क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इस साइड का तो रूट हटेगा, तो मिलेगा आपको 75.24 प्लस का x इक्वल टू, अब 8.71 का आप स्क्वायर करेंगे, 8.71 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 75.8641। तो दो डिजिट ले लेते हैं 86। अब x की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 75.86 में से आपको 75.24 घटा लेना है, तो घटा लेते हैं, तो आपका 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 2 जाएगा 6, फिर 75 में से 75 जाएगा 0, यानी 0.62 आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो इसमें भी ट्रिक से सॉल्व करेंगे कि कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या वर्ग नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा कि कौन सी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को समझना होगा कि किसका किसका वर्ग करने पर क्या आता है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए, यदि एक का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में एक आता है, दो का स्क्वायर करते हैं लास्ट में चार आता है, तीन का स्क्वायर करते हैं लास्ट में नौ आता है, चार का स्क्वायर करते हैं तो आपका आता है लास्ट में कितना आएगा, 16 आता है, तो लास्ट जीरो 6 आएगा। उसी प्रकार पाँच का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 5,
छः का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में छः ही आएगा, सात का स्क्वायर करेंगे तो नौ ही आएगा, फिर आठ का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, चार ही आएगा, फिर नौ का स्क्वायर करेंगे तो इक्यासी होता है, लास्ट में कितना आएगा, एक आएगा, फिर दस का स्क्वायर करेंगे जीरो आएगा। यानी किसी भी संख्या का यदि आप वर्ग करते हैं या तो एक आ सकता है, या तो चार आ सकता है, या तो नौ आ सकता है, या तो छः, या तो पाँच, या जीरो। तो चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका छः भी है यानी ए भी नहीं होगा, आपका दो दो है कहीं पर, दो किसी का भी वर्ग करने पर आपको दो लास्ट में नहीं मिलेगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से आपको एग्जाम हॉल में भी सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया कि वर्ग करने पर लास्ट में एक आएगा, या चार, या नौ, या छः, या पाँच, जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार से आपको दे दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, ये देखिए, लास्ट वाला रूट ओवर फाइव उठाइए, तो लास्ट वाला रूट ओवर फाइव को रूट से बाहर निकालेंगे तो पाँच पे पावर एक बट्टा दो आएगा, और ए आपका रूट ओवर फाइव है ही, ऐसे है तो यहाँ पर एक होता है, तो इसको आप ऐड करेंगे तो पाँच पे पावर तीन बट्टे दो, फिर इस पाँच पे पावर तीन बट्टे दो को लेकर ले जा करके तीसरे वाले में जोड़ना है, तो प्लस का एक करेंगे कितना होगा, तो हो जाएगा आपका दो एक कम दो तीन, पाँच बटे दो। अब इस पाँच बटे दो को इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, सात बटे दो, फिर इस सात बटे दो को इसमें जोड़ना है, फिर इसमें जोड़ना है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपका जो ऑप्शन होगा पाँच पे पावर तिरसठ बटे चौंसठ होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा डिटेल में, मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपका क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, चार ऑप्शन दिए हैं और आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, आपको वर्गमूल पता होना चाहिए कि किस संख्या का वर्गमूल क्या होता है। तो 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा। अब 15 को आप जोड़ दीजिए 154 से, तो 15 को आप 154 से जोड़ेंगे तो 169 आएगा। फिर 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 13। अब 13 को आपको करना क्या है, इसमें जोड़ देना है, तो 108 में 13 जोड़ेंगे 121 होगा। फिर 121 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 11। फिर 11 को आपको इसमें जोड़ना है, तो 11 और 25 जोड़ेंगे 36 आएगा। अब 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको मिलेगा 6, और 6 को 10 में जोड़ेंगे तो 16, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका फाइनली आंसर आएगा 4। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। किससे गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, तो वो मेरा ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर लास्ट में या तो एक आएगा, या तो चार आएगा, या तो छः आएगा, या तो नौ आएगा, या तो पाँच आएगा, या जीरो। अब चेक कर लीजिए ऑप्शन से, यदि मैं दो से गुणा करता हूँ तो लास्ट में आठ आता है, तो ये नहीं होगा पहला ऑप्शन। यदि मैं तीन से गुणा करता हूँ तो लास्ट में दो आता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। यदि मैं छः से गुणा करता हूँ तो लास्ट में आपका चार आता है, 6 चौक 24, लास्ट में चार आएगा। यानी किसी न किसी संख्या का वर्ग करने पर लास्ट में चार आता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। कॉन्सेप्ट में आपको यही ध्यान में रखना है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर लास्ट में हमारा कौन सा डिजिट आता है, या तो एक आ सकता है, या तो चार, या तो छः, या तो नौ, या तो पाँच, या तो जीरो। तो मैंने चेक कर लिया, दो से मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में आठ आ रहा था, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन बी चेक करिए, तीन से मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में दो आ रहा था, तो दो का भी होता भी नहीं है। और लास्ट में मैंने सी ऑप्शन चेक किया, 6 चौक 24, यानी लास्ट में चार आता है और वर्ग करने पर भी चार आता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2205 को किस संख्या, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले 2205 है, तो प्यारे दोस्तों 6 से तो कैंसिल होने का चांस नहीं है, चेक कर लेते हैं। 6 से कैंसिल करेंगे, 6 3 18, 2 0 6 3 18, फिर 2 5 नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी चेक करिए, 5 से काटिए तो 5 24, 2 0 5 24, फिर एक बचेगा, यानी 441 किसका वर्ग है, 21 का। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी इस संख्या को मैं 5 से डिवाइड करूं तो ए आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से प्यारे दोस्तों, मैंने आपको पहले चैप्टर के 15 क्वेश्चन करवा दिए हैं।
यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी ट्रिक में किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बचे लास्ट के 15 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले धन्यवाद।